गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज तुम्हारे लिए एक ऐतिहासिक चीज़ दिखाने को लाया हूँ जो कि अब वीडियो में देखने को मिलेगी। भाई, ताजमहल किसने देखा है? बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने, है ना, बहुतों ने देखा कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए, यादगार निशानी के चक लिए। भाई, आज वो चीज़ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि हुई है, क्योंकि ताजमहल बना है भाई ताजमहल बना है 1631 में, और जो ये चीज़ बनी है, ये चीज़ बनी है 1558 में। इतना लंबा गैप है, ये दिखाएंगे आपको। दिल्ली में भी रहते हैं, उन्होंने भी बहुत कम ही लोगों ने देखा है। जिन्होंने देखा है वो कमेंट करके बता देना भाई। और आज आप हमारी वीडियो में देखोगे कि क्या चीज़ है वो। भाई, उसका नाम बता देता हूँ मैं, हुमायूं टॉम्ब है, जो 1562 में बना हुआ है। आज उसका टूर करवाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। एक हुमायूं टॉम्ब का मकबरा, आज इसका टूर कराया जाएगा आप सभी को। वीडियो में बने रहिए। टॉम की एंट्री हो रही है, आप देख सकते हो गेट पे पत्थर पे गुदा हुआ है नाम, और यहाँ से कुछ इस तरीके से एंट्री है। ये टिकट काउंटर फॉरनर्स की रेट अलग है और इंडियंस के अलग है, आपको दिखा देते हैं। ये प्राइस लिस्ट है, देख पा रहे हो आप। और ये चेकिंग काउंटर है, टिकट काउंटर। आप चलते हैं अंदर, एंट्री हो जाती है, भीड़ देख रहे हो। स्कूल के बच्चे भी आते घूमने यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, देखने वाली चीज़ है। फैमिली को भी लाओ अपनी, और देखो ये बच्चे भी घूमते दिख सकते हैं आपको। ये देखो दो दो स्कूल के बच्चे एक साथ, और यहाँ से एंट्री हो रही है। ये सारे कितनी भीड़ होती है यहाँ पे, ये आधे लोगों को पता भी नहीं है कि इधर कुछ ऐसा है। ये निज़ामुद्दीन के पास में पड़ता है हुमायूं टॉम्ब, और सुंदर नगरी भी इसके पास में ही है। उसका भी व्लॉग अलग बन जाएगा, आप कमेंट करके बता देना। टॉम्स के अंदर ही है सारे, चार पांच जगह है अंदर, वो सब देखने को मिलेंगे। चार पांच पॉइंट है, वो सब पॉइंट सारे पॉइंट दिखाऊंगा अच्छे से, बने रहना ब्लॉग में। पहला पॉइंट है ईसा खान, ईसा खान में दिखाएंगे कि कैसा है। उसके बाद है अबू हलीमा, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। ईसा खान दिखाते हैं पहले, आप बने रहे ब्लॉग में। और तुम्हारा भाई ने आज वाइट शर्ट पहने, बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको ईसा खान। ये कुछ इस तरीके से एंट्री है, और आपके ये राइट में पड़ेगा ईसा खान जहाँ हम जा रहे हैं। और गार्डन देख लो कितना अच्छा और रखा है, साफ सफाई मेंटेन रहती है यहाँ पे। और ये ईसा खान की एंट्री है, दिखाते हैं आपको इनका मकबरा जो कि आप देख पा रहे हो। और अभी हम आपको इस सारी डिटेल दिखाएंगे। ये ईसा खान का मकबरे के बारे में लिखा हुआ है, जो कि 1547 में बना था, बन के तैयार हुआ था। और अब चलते हैं अंदर, ईसा खान का मकबरा दिखाते हैं, जो कि ये आप देख पा रहे हो। दो चार शॉट अभी, ये ईसा खान का मकबरा है जो कि 8 पॉइंटों से बना हुआ है। अब ये देख पा रहे हो इसके 8 पॉइंट है। और ईसा खान आपको सारी साइड दिखाते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पहले की बनावट इतनी प्यारी शानदार,
देख पा रहे हो कलाकारी और कुछ बाहर से। अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जो इस खान के अंदर ही है, बन रहे और कुछ ये अंदर का सीन इस तरीके से दिखता है आप देख पा रहे हो। ये गार्ड भैया ये मकबरा ईसा खान का जो आप देखा, और आप जो ये देख पा रहे हो ये दरगाह है ईसा खान की, इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती है, दरगाह है बस खाली। ये भी बहुत अच्छी है, ये ईसा खान के अंडर में ही है देख पा रहे हो। इसका भी शॉट दिखाता हूँ आपको मैं, एंजॉय लो आप। ईसा खान जो आप देख पा रहे हो पीछे है, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब आपको एक और ऐतिहासिक चीज दिखाएंगे जिसको देख के ताजमहल बनाया गया था, अभी तक किसी को पता नहीं है कि किसको देख के बनाया गया था। ये भी याद में बनाया था, वो भी याद में, पर ये किसी और की याद में, किसी और ने बनाया था, वो किसी और ने बनाया था। आज आपको देखने को मिलेगा जिसको देख के ताजमहल बनाया गया था। अब चलते आगे, अब हम ईसा खान से निकल चुके हैं, अब बने रहो ब्लॉग में, ऐसे और भी अच्छी आगे देखने को चीज़ मिलेगी, बने रहो अभी ब्लॉग में, अभी और भी अच्छी चीज़ है। ये अंदर ही चल रहा है, ये 40 एकड़ में बना हुआ है पूरा हुमायूं टॉम्ब, उसके अंदर ही है ईसा खान, बू हलीमा, अरब की सराय और हुमायूं टॉम्ब के अंदर ये सारी चीज़ें। अब दिखाते हैं आपको, बने रहो ब्लॉग में। पॉइंट है हमारा बू हलीमा, बू हलीमा जो वहाँ पे काम करने वाले थे उस टाइम पे हुमायूं टॉम्ब के, हुमायूं के तो जो काम करने वाले थे उनकी या उनके लिए बनाया गया था, वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये बू हलीमा है जो यहाँ उस टाइम पे वर्कर्स थे उनके लिए बनाया गया था, और ये भी बहुत शानदार बनाया, देख पा रहे हो आप कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। और ये गेट है, अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ये आ गए हम गेट में बू हलीमा के बाद, अब चल रहे सीधा सीधा, ऐसी है गेट यहाँ पे देख पा रहे हो। पुराने ज़माने में कैसे काम, कलाकारी देखो तुम काम की बस, और कुछ इस तरीके से है दिखता है, पहले भी वो सोच समझ के बनाया गया है। देखो सारे गेट देखो इधर, और ये आपका ये भी एक एरिया है देख सकते हो, ये भी एंट्री हो ही रही है हुमायूं टॉम्ब। और ये है अरब की सराय देख पा रहे हो, मैं भी रहता हूँ ना, उन्होंने भी बहुत कम देखा होगा, आज हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। आप इतने नज़ारों के मज़े लो और देखो क्या चीज़ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब जुड़े रहो। तरीके से एंट्री है हुमायूं टॉम्ब के, देख पा रहे हो आप कितनी अच्छी है, दोनों तरफ हरियाली, अब बीच में रास्ता जाने का, और अभी आगे देखना और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी। ये बना था 1558 में, और जो आपने ताजमहल जो देखा है वो बना था 1631 में, इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि ये काफ़ी साल पुराना है। ऐतिहासिक चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, तो आज हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे आपको, पर आप देखना भाई बहुत पुरानी चीज़ है जो ताजमहल बनाने में
ये बस एक लाल पत्थर से बनाया गया है, और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनाया गया था। दोनों में अंतर है, पर ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता लगे कि हमारे दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक चीज़ है, जो ताजमहल से पहले बनी हुई है। ताजमहल ही जैसी, जिसने ताजमहल नहीं देखा वो इसे भी देख सकता है, सेम ही है। भाई ये लाल है, पत्थरों से बना हुआ है, और आपको दिखाते हैं अंदर चल के, आप नज़ारे लो इतने। चलो, शिव कुमारी टॉम का गेट है जो इस तरीके से सजा रखा है, और कितना प्यारा लग रहा है गेट भाई, देख लो उस टाइम का कलाकारी आप देख सकते हो, दोनों तरफ गुम्बद से, और बीच में ऐसा गेट है जाने की एंट्री है, और ये फूलों से सजा रखा है एंट्रेंस। और अब चलते हैं हम अंदर, देखो दोनों साइड बहुत प्यारे प्यारे तरीके से सजा रखा है यहाँ, कुछ इस तरीके से कि एंट्री हो जाती है हमारी। हो गया हुमायूं टॉम का गेट जो आपको दिखाते हैं, अब यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो, और आपको देख ही गया होगा। और ये देखो ऊपर तक है गुम्बद, और ये जब से ही टंगा हुआ है ऐसे कि, और आप इधर भी देख सकते हो, आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से, ये इनका मैप है, आप देख पा रहे हो पूरा ये हुमायूं टॉम का मैप है, किस तरीके से बनाया है, और कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लो। और अब चलते हैं अंदर, बादशाह हुमायूं, और ये कुछ इस तरीके से है। अच्छा बनाने के लिए चलो अब चलते हैं अंदर। ताजमहल आपने देखा होगा तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, देख सकते हो। अभी हम इसके ऊपर भी जाएंगे, दिखाएंगे आप सबको कि अंदर से कैसा है। और ये देख रहे हो यहाँ पे भीड़ भी बहुत सारी होती है, और घूमने की बहुत अच्छी जगह है, देखने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और पूरी चारों तरफ हरियाली देख रहे हो, ये फाउंटेन लगे हुए हैं इधर, और सब इस ताजमहल जैसे चीज़ को देखने आए हैं। और दिल्ली के लोग, दिल्ली में रहते हुए भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा ये, और जिन्होंने देखा होगा कमेंट करके बता देना भाई किस किस ने देखा। और अब ये देखो, देखो ये लुक है ताज इसके हुमायूं टॉम के। और अब चलते हैं, इसके बीच में जीना लगा हुआ है जैसे कि आपको देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके ऊपर चढ़ के आपको चारों तरफ का व्यू दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लगता है, कुछ इस तरीके से है नीचे का मकबरा टाइप का जो देख पा रहे हो आप, कितने सारे कमरे। चलो शुरू करते, अब चलते हम ऊपर। एकदम खड़ा जीना है भाई, डर तो मेरे को, ऐसे नज़ारे है इसके हुमायूं टॉम के, देख सकते हो आप। इधर से हमारी एंट्री हुई थी, और चारों तरफ हरियाली 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 है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये आप देख सकते हो
अब ये इधर अंदर दिखाते हैं आपको, इधर सारी कब्र भी है ये जो बना रखे हैं इन्होंने, बनी भी है पहले की। अब चलते हैं अंदर और आपको अंदर का सीन दिखाते हैं कैसे। और यहाँ पे फॉरेनर्स कुछ ज़्यादा आते हैं घूमने, ये देख सकते हो पूरी भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है देख सकते हो। और ये देखो भाई आप, और बहुत लंबी चौड़ी अच्छी जगह है ये, यहाँ से भी एंट्री, चारों तरफ से एंट्री है इधर। अब आपको अंदर का सीन दिखाएंगे। जो कबर है और ये अंदर का देख पा रहे हो आप कुछ इस तरीके से, और ये है जो आप देख पा रहे हो। इधर ये जंगलों में से रोशनी आती है, ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है आपको। आवाज़ गूंज रही है इधर हमारी, और यही है मकबरा हुमायूं का देख सकते हो, उसके अंदर की तस्वीर है आप कुछ इस तरीके से। बाहर हमने अंदर से देख लिया, देखो पीछे से इस तरीके से दिस इज चैम्बर, और आपने देख लिया होगा। अब इस साइड से नज़ारे दिखाता हूँ आपको हमारे टॉम के, और उस तरफ से इस तरीके से दिखता है आपको देख सकते हो। बहुत प्यारी लोकेशन है, और ये हमारे टॉम है देख सकते हो। और आप जो ये देख रहे हो ये चारों तरफ के नज़ारे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, ये पूरा ताजमहल जैसा ही है भाई हमारे टॉम भी। और देख लो पूरी हरियाली आपने देख ही ली है। चलो चलते हैं इस साइड, आपको हमारी टॉम तो दिखा दिया है, टॉम तो देख लिया है। अब भाई जो इनके बाल काटता था, मेरे को तो अभी पता लगा, जो इनके बाल काटता था उनके लिए इन्होंने भी मकबरा बनवा दिया था, क्योंकि जो नाई थे वो हुमायूं के बाल काटते थे, उन्हें इतने अच्छे लगे कि उनके लिए भी एक मकबरा बनवा दिया था उन्होंने उस टाइम में। और वो भी आपको देखने को मिलेगा, अभी आपको दिखाएंगे। चलिए अब चलते हैं नाई के मकबरे, मेरे को तो आज पता लगा भाई कि नाई का भी मकबरा बनवा दिया था हुमायूं ने। भाई ये है राजा, अलग ही राजा थे भाई। और आपको पीछे का सीन दिखाता हूँ, देखो पीछे से भी ऐसी है कुछ, चारों तरफ से ही ऐसी है, कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से। पीछे से भी ऐसे कमरे बने हुए हैं उस टाइम के देख सकते हो, कि यादगार चीज़ बनाई है भाई। पुराने टाइम के बंदे तो थे दिलदार, आप देख सकते हो इसी बात से अंदाज़ा लगाते हैं। और पूरे गार्डन में देख लो हरियाली हरियाली है चारों तरफ, घूमने लायक जगह है भाई। फैमिली को लाओ, जिसने नहीं देखा वो भाई जरूर देखो, एक बार जरूर आओ देखने।
मन खुश हो जाएगा आपका कि भाई दिल्ली में भी ऐसी अच्छी जगह है एक घूमने के लिए, ताजमहल जैसी। और हम चलते हैं अब नायके मकबरे, चल रहे नायके मकबरे। और तुम्हारा वाइफ भी लग रहा है बढ़िया एंडी एक नंबर, देख रहे हो फुल सेट। अपू नहीं लेते रहते आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहते हैं। अब भाई कमेंट नहीं कर रहे हो आप, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। ये तीनों चीज़ ज़रूर करो, अच्छा लगेगा तुम्हारे भाई को भी, फिर देखने दिखाने में और अच्छा मज़ा आएगा ना कि भाई लोग देख रहे हैं मेरे को। तो आप ये वाली चीज़ और दिखाऊंगा, बने रहो ब्लॉग में। नायक का मकबरा दिखाएंगे अब आपको। आप देख रहे हो ये नीला गुंबद है, ये नीला गुंबद है नायक का मकबरा इसके पीछे है। अब दिखाएंगे, यहाँ अंकल जी फोटो शूट कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से है दिखते हो गार्डन, यहाँ कपल ज़्यादा आते घूमने। और भाई ये देखो फोटो, तुम्हारे भाई ने भी खींच लिया फोटो। अब चलते हैं, जो शाहजहाँ ने नायक का मकबरा भी बनवाया था उसे देखने। क्योंकि भाई आज के टाइम में तो कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, पर उस टाइम में देख लो भाई, हुमायूं ने नायक का मकबरा भी बनवा दिया था। ये होता है प्यार, ये देख लो, ये होता है प्यार भाई। चीज़ दिखाएंगे कि याद करोगे आप भी। हमारे टॉम दिखाया भाई लौंडे ने, चलो। ये है नायक का मकबरा, पर इस टाइम इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। वैसे देख लो भाई, उस टाइम का ये बना हुआ है जो नाई के लिए बनाया गया था, स्पेशल हुमायूं ने जो बनवाया था नाई के लिए। देख लो इतना प्यार होना चाहिए लोगों में भाई। उस टाइम में भी देख लो कितना प्यार है कि एक नाई के लिए इतनी बड़ी चीज़ बनवा दी है कि जिंदगी भर ये ऐसी रहेगा और लोग इसे देख के कहेंगे कि भाई ये राजा ही था कि एक अपने नाई के लिए भी इतना बड़ा कुछ बनवाया उसने। देख सकते हो मैंने आपको सारा हुमायूं टॉम दिखा दिया, ईसा खान दिखा दिया, नाई का मकबरा दिखा दिया। और कमेंट करके बता देना भाई आपको कैसा लगा ऐतिहासिक चीज़ जो मैंने दिखाई। आधे लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये ताजमहल से पहले बना हुआ है और इससे पहले ईसा खान बना हुआ था। ईसा खान इससे पहले बना है ताजमहल, ईसा खान इससे पहले बना है, फिर हुमायूं टॉम बना है, फिर ताजमहल बना है। देखो भाई कितनी बढ़िया चीज़ दिखाई मैंने आपको। और इसी के साथ ब्लॉग को करते यहीं हैं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय बाय।